अरे ये तो लगता है किसी गुफा के अंदर जाने का रास्ता है। हाँ चलो चलो अंदर चल के देखते हैं। चल चल चलो 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 चलो। यहाँ तो बहुत बड़ी गुफा है। हाँ, सच में। मैं हूँ मुंजा, मुझसा नहीं कोई दूजा। मुंजा कौन? मुंजा मुंजा वीताल का पोता। वीताल का पोता मतलब तुम प्रेत हो? हाँ लेकिन तुम डरो मत। हाँ, 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 मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने यहाँ खुदाई करा के मुझे यहाँ से मुक्त कराया। इसलिए लो ये है तुम्हारा इनाम। जाओ अब तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम अपनी हवेली नहीं बना सकोगे। मैं बरसों से यहाँ पर कैद था, आज मौका मिला है बाहर आने का। अरे अरे डरो मत डरो मत, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ दोस्त, मैं ना मैं तुम्हें अपने बारे में भी बताऊंगा और अपने महाराज विक्रमादित्य के बारे में भी, जिनकी सेवा में मैं बरसों रहा हूँ। सुनोगे ना उनके बारे में? सुनोगे तो जानोगे, जानोगे तो समझोगे। तो सुनो, एक बड़ा विशाल राज्य था अंबावती। अंबावती के महाराज धर्मसेन बड़े धार्मिक राजा थे। महाराज धर्मसेन ने अपने सबसे बड़े बेटे ब्रह्मानित को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। महाराज धर्मसेन की मृत्यु के बाद राजकुमार शंख के मन में पाप समा गया। उसने खुद राजा बनने की सोची और इसलिए षड्यंत्र में लग गया। ध्यान से सुनो, आज की रात ही हम अपनी योजना पर अमल करेंगे। सबसे पहले अपने नए महाराज ब्रह्मानित को ही समाप्त करना है। तुम लोग अपने विश्वास पात्र सिपाहियों के साथ उनके महल पर पहुंचो। जी जैसी आज्ञा। जैसे ही महाराज प्रमाणित का काम तमाम हो, वैसे ही हमारे बाकी के भाइयों को भी तुरंत बंदी बना लिया जाए। और ध्यान रहे, कोई भी भागने ना पाए। राजकुमारों की जान खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। इस वक्त कौन हो सकता है? महाराज
मैं हूँ आपका छोटा भाई शंख। शंख, इस समय जरूर कोई खास बात होगी, दरवाजा खोलो। क्या बात है राजकुमार शंख, आधी रात को तुम हमारे पास किस लिए आए हो? सब कुशल तो है ना? सब कुशल मंगल ही है महाराज। एक वफादार सैनिक की सजगता के कारण समय रहते ही वहाँ से पांचों भाई भाग गए। शंख ने खुद को राजा घोषित कर दिया और दिन रात एक कर दिया उन पांचों को ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिले। कहाँ जा सकते हैं वो? क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया उन लोगों को? हमें भी इसी बात का आश्चर्य है महाराज। गुप्तचरों और सैनिकों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, परंतु उनका पता नहीं चला महाराज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सेनापति पर्वत सिंह, जाओ जाकर ढूंढो उन्हें। महामंत्री दुर्जन सिंह, लगान वसूली की क्या स्थिति है? इस काम के लिए मैंने 10 टोलियों को नियुक्त किया है और राज्य के अलग अलग गाँव में भेज भी दिया है। ये सब क्या हो रहा है? लगान वसूली का आदेश है। ये तरीका है लगान वसूली का? तुम लोग लगान वसूली के नाम पर प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो। राजकुमार विक्रम, हम जो भी कर रहे हैं वो महाराज शंख के आदेश पर कर रहे हैं। अन्याय कर रहे हैं तुम्हारे महाराज शंख। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कह देना महाराज से हमने इन सभी का लगान माफ कर दिया है। ये नहीं हो सकता, हमारे काम में दखलंदाजी करने का आपको कोई अधिकार नहीं। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें मार भगाने का तो मुझे अधिकार है ना? तुम्हारे मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आखिर क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम दुर्जन सिंह? वो लोग हैं कहाँ? महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सिपाही राज्य के कोने कोने में फैले हुए हैं। अब वो विक्रम और बाकी के राजकुमार हमसे बच नहीं सकेंगे। राजा शंख के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो राजकुमार विक्रम और बाकी के राजकुमारों को ढूंढ ही नहीं पाए। और मालूम है वहाँ राजा शंख अपनी प्रजा को लगातार तंग कर रहा था। अक्सर राजकुमार विक्रम प्रजा की मदद करने पहुँच जाते थे। आखिर में हार कर
राजा शंख ने विक्रम को ढूंढने के लिए ज्योतिषियों की मदद ली। आप विश्वास करें महाराज, मैं आपको एकदम सही जानकारी ही दूंगा। तो बताओ बताओ कहाँ है वो? महाराज, यदि हम ये मान लें कि वो पांचों महल से तभी भागे हैं जबकि महाराज ब्रह्मानंद की मृत्यु हुई थी, तो उस समय की गणना से पता चलता है कि उस समय चंद्र की स्थिति कमजोर थी और शनि, राहु और केतु बलवान होकर गुरु को कुपित दृष्टि से देख रहे थे। इसका मतलब है महाराज, इस समय उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा। ओफो, ये सब गणना वरना छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। जी 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 महाराज, यही बता रहा हूँ। उन पांचों में से तीन तो जंगली जानवरों का भोजन बन गए, एक संकट में फंसा है। और पांचवा? क्या बताओ। जी महाराज, बताओ बताओ, उसके बारे में मुझे बताओ। क्या उससे मुझे कोई खतरा है? वो क्या कर रहे हो बोलो। महाराज, जीवन दान मिले तो। हाँ हाँ, निडर होकर कहो। महाराज, वो पांचवा राजकुमार, वो अपने बल और बुद्धि से इस पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर सकता है। बस, वो क्या कर सकता है ये हम नहीं जानना चाहते हैं। वो इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है ये बताओ। जी महाराज, वो ये राहु गया उधर तो उर्दू, और ये शनि और ये मंगल तो। महाराज, राज्य के उत्तर दिशा में जो घना जंगल है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। हे माँ भद्रकाली, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो कि मैं आज इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। इन सात घड़ों को काट कर इनके पानी में गिरने से पहले इस तीर पर गर्दन रख सकूं। हे माँ भद्रकाली, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो माँ भद्रकाली, शक्ति दो। जय माँ भद्रकाली। विक्रम, मैं तुझसे प्रसन्न हुई। तू सदैव विजय रहे। तू मुझे जब भी याद करेगा मैं तेरी सहायता करूंगी। जय मां भद्रकाली। दुर्जन सिंह, सेना को आदेश दो कि हमें जंगल की ओर प्रस्थान करना है। क्षमा करें महाराज, इस तरह आवेश में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये है महाराज कि यदि हम सेना लेकर जाएंगे तो विक्रम सावधान हो जाएगा, और आप तो जानते ही हैं कि वो अकेला भी हमारी सेना पर भारी पड़ सकता है। तो फिर तुम्हारी क्या सलाह है? मेरी राय में महाराज, विक्रम को मारने के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। कैसे? सुनिए, वाह वाह अद्भुत, सचमुच बहुत ही सुंदर योजना है। चलो विक्रम के पास चलने की तैयारी करो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। कहो भाई शंख,
किस लिए आए हो? मेरे प्राण लेने? मुझे माफ कर दो भाई विक्रम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा बनने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अपने किए पर यदि तुम्हें सचमुच अफसोस है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। नहीं ऐसे नहीं। जब तक तुम महल में मेरे साथ वापस नहीं चलोगे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। परंतु कुछ नहीं सुनना चाहता। यदि तुम मेरे साथ वापस नहीं चले तो मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ, माँ भद्रकाली के चरणों में। अच्छा ठीक है, चलो चलता हूँ। हाँ, चलो।